Hey guys, काफी दिन हो चुके थे मुझे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाले हुए अपने चैनल पर, तो आज सोचा कुछ टेक्निकल डिसीजन किया जाए आपके साथ में। तो बस मैंने एक टॉपिक निकाला और सोचा आपके सामने डिस्कस करूं, कैमरा उठाया, सेटअप लगाया और आपके सामने वीडियो रेडी है। जी हाँ, तो आज मैं बात करूंगा आईपी एड्रेस के बारे में। जी हाँ, आईपी एड्रेस वही आईपी एड्रेस जिसका नाम आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में सुना होगा, बहुत सारी आप स्टडी जब आप करते होंगे तब आपने सुना होगा कि किसी का फोन हैक हो चुका है, उसकी आईपी एड्रेस से उसका फोन हैक हो चुका है, या बहुत सारी चीज आपने सुना होगा। तो मैं आज आईपी एड्रेस की बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपको अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो लास्ट में आप उसे डिसलाइक कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आईपी एड्रेस का नाम आता है तो सुनने में हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि पता नहीं क्या चीज है। गाइस बहुत इजी है, मैं आपको एक दो एग्जांपल देकर आपको समझा दूंगा। मैं आपको पूरी नॉलेज तो आईपी एड्रेस की एक वीडियो में नहीं दे सकता क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हाँ इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में आईपी एड्रेस क्या होता है, इसका यूज केस होता है। अब हम बात करते हैं कि देखो दुनिया में हर चीज की एक आइडेंटिटी है, हर चीज का एक नाम है, हर चीज का एक एड्रेस रखा है। मान लीजिए सपोज दैट आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका एक ऑफिस है, तो आपके ऑफिस का कोई ना कोई एड्रेस होता है, राइट? ऐसे ही दुनिया में हर चीज का एक एड्रेस है, हर चीज का एक नाम है, हर चीज की एक आइडेंटिटी है, मतलब हम उसको उस नाम से जान सकते हैं, उसको हम उस नाम से पुकार सकते हैं। ऐसे ही हमारे सामने एक आईपी है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी हाँ, ये एक इंटरनेट के थ्रू हमारे डिवाइसेस इसमें कनेक्टेड होती है। जो भी हमारे पास डिवाइस होती है, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, अगर हम इनको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, मतलब इसमें इंटरनेट चलाते हैं, तो उसको एक आईपी एड्रेस मिलता है। हम नहीं देते, उसको एक आईपी एड्रेस मिलता है। सपोज दैट मेरा एक एंड्रॉइड फोन है, मैंने उसको अपने किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट किया तो उसको एक आईपी एड्रेस मिलेगा, और अपने लैपटॉप कनेक्ट किया उसको भी आईपी एड्रेस मिलेगा। आईपी एड्रेस एक नंबर होता है एक्चुअल में, एक चलता है आईपी वर्जन 4 जो कि आजकल यूज होता है, और आईपी वर्जन 6 भी काफी जगहों पर यूज हो रहा है। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस हमें मिलता कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ आईपी एड्रेस हमें कहाँ से मिलता है। जो भी हमारे आईएसपी होते हैं, आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जिससे हमने इंटरनेट परचेस किया हुआ है या जिसका इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल फोन है, हम एयरटेल का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, या फिर हम जियो का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, या फिर हम आइडिया का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए आईएसपी है। हमने अपने फोन में रिचार्ज कराया तो हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट हुआ, इंटरनेट का रिचार्ज कराया तो वहां से एक हमारे फोन को आईपी एड्रेस जनरेट हुआ, जिससे वो कभी भी हमारे फोन को, मतलब इंटरनेट पर कोई भी हमारे फोन पर ट्रेस कर सकता है। आईएसपी नहीं, कोई भी हमारे फोन पर ट्रेस कर सकता है अगर हमने कुछ ऐसा किया है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि आईपी एड्रेस के थ्रू आपको ट्रैक कर सकते हैं, आपको ट्रेस कर सकते हैं। अब एक बात समझिए, जितने भी पूरी दुनिया में कनेक्शन है, मतलब जितने भी नेटवर्क है, वो किस चीज से कनेक्टेड है। हम पूरे दुनिया में एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक या दो नेटवर्क से आप जितने भी नेटवर्क कह सकते हैं, बट हम किससे कनेक्टेड है, हम आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्टेड है। हम एक फोन से दूसरे फोन को बात कर सकते हैं, या हम फाइल शेयर कर सकते हैं, या मूवी शेयर कर सकते हैं, मतलब कोई भी फाइल हम शेयर कर सकते हैं, तो वो एक आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम फाइल शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूँ। जैसे हम लोकल बेस पर कोई भी फाइल शेयर करते हैं, जैसे हॉटस्पॉट नहीं, जेंडर, बहुत सारे फाइल शेयरिंग ऐप आते हैं, तो वो हमें एक लोकल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब लोकली। और जो हम इंटरनेट से, जो हमारे आईएसपी होते हैं, जो हमें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो हमें आईपी प्रोवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी के थ्रू हम इंटरनेट पर विजिट कर सकते हैं, और प्राइवेट आईपी के थ्रू हम कितने भी कनेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट करना है, या एक कंप्यूटर से हमें बहुत सारे कनेक्शन बनाने हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो आईएसपी ने तो हमें एक इंटरनेट दिया है। सपोज दैट हमारे पास दो कनेक्शन है, एक तो एयरटेल का और एक जियो का, तो दो ही तो हमारे पास आईएसपी हुए, हमें दो ही आईपी मिलेंगे। लेकिन हम लोकली उसमें कितने भी कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, कितने भी यूजर बना सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपके सर्वर्स की या आपके यूजर की कैपेसिटी कितनी है। तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, आपस में ईमेल्स, कॉल, सब चीजें वो आईपी एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं। आई होप अभी इतने में ही आपको समझ आ रहा होगा। जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन सबको अलग अलग आईपी एड्रेस मिला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेट की दुनिया में। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं या इंटरनेट से आप कनेक्टेड हैं, तो आपके फोन को, आपके लैपटॉप को, आपके या कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है।
देखो आईपी एड्रेस भी टू टाइप के होते हैं, वैसे तो बहुत टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस टू टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस और एक होता है लोकल आईपी एड्रेस। इसको हटके मैं आपको बताता हूँ कि आईपी एड्रेस उसमें भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। इन दोनों में फर्क क्या होता है, पहले बात करूं मैं स्टैटिक आईपी एड्रेस की। स्टैटिक आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होता है जिस जो आईपी हम किसी डिवाइस को खुद से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंप्यूटर कनेक्ट किया और उस कंप्यूटर को हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, तो उसको एक आईपी मिल जाती है इंटरनेट के द्वारा। अब हम चाहते हैं हमें दूसरे या तीसरे कंप्यूटर को भी कनेक्ट करना है और उसको आईपी हमें खुद से देनी है, तो हम उसको आईपी खुद से दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आईपी एड्रेस का, जैसे आईपी होती है 192.168.0.0, एक आईपी एड्रेस हुआ, ये सी क्लास आईपी एड्रेस है। ये मैं आपको, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स लिखेंगे तो मैं आपको पूरी नॉलेज आईपी एड्रेस की दूंगा, पर सिर्फ मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप स्टैटिकली कितने भी कंप्यूटर को अपने अकॉर्डिंग आईपी दे सकते हैं, आप एक को जीरो तो दूसरे को वन, तीसरे को टू, आईपी स्टैटिक आईपी दे सकते हैं। और डायनेमिक आईपी इंटरनेट के द्वारा ऑटोमेटिक आपके डिवाइस को मिल जाती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज दैट आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। आईपी का मतलब ही होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो आप किसी फ्रेंड से हॉटस्पॉट मांग लेते हैं, तो वो आपको हॉटस्पॉट दे देता है, पासवर्ड दे देता है, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी आपकी एक डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि वो आईपी जो मिल रही है आपको उसकी डिवाइस से मिल रही है, उसके इंटरनेट के थ्रू मिल रही है। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस एक इंटरनेट पर आपको एक एड्रेस प्रोवाइड कराता है, जैसे हम कोई अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं और हमें एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर मिलता है ताकि हम उसको ट्रैक कर सके अपने प्रोडक्ट को। इसी टाइप में ट्रैकिंग नंबर कह सकते हैं, सीरियल नंबर कह सकते हैं, इसी टाइप में हमें आईपी एड्रेस भी इंटरनेट की दुनिया में मिल सकता है, ताकि हम या कोई और हमारे डिवाइस को या हमारे लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन को ट्रैक या ट्रेस कर सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पहले वीडियो लाइक कर दिए और आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अभी व्हाट्सएप पर शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।